After 6 decades of independent India, there should not be one person also so-called below poverty level. There should not be any such things. And I don't think so. There is much to celebrate here. It's a black spot on India. देश में एक आम आदमी को खाने पीने के लिए रहने के लिए जो जरूरत है उसका ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई सीलिंग निर्धारित करनी चाहिए और ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों से बिल्कुल हम भी सहमत नहीं हैं। कांग्रेस सरकार ने फिर एक बार गरीब के साथ मजाक किया है। पहले 32 रुपए को गरीबी रेखा घोषित किया था, इस साल बढ़ाकर 33 रुपए किया है। तो क्या 34 रुपए कमाने वाला अमीर हो गया? ये तो गरीब को गरीबी रेखा के फायदों से वंचित करने का षड्यंत्र है। हम पूरे देश में घूमते हैं तो गरीबी की क्या हालत है वो जानते हैं। फिर गरीबी घट गई है तो 65% लोगों को भोजन देने के लिए किस आधार पर देंगे? यानी एक तरफ कह रहे हैं गरीबी हट गई, गरीबों को हमको देना है फूड सिक्योरिटी, तो किस पैमाने से 65% लोगों दे रहे हैं?